देखिए इफ्तार जो है, इफ्तार शुरू से ही हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल इफ्तार देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि इफ्तार जो है वो पार्टी है, ये गलत फहमी में लोग रहते हैं। हम स्पष्ट करते हैं, इफ्तार जो है, इफ्तार देने का ये मकसद है कि रोजेदार जितने हैं उनके प्रति सम्मान हम लोग जो प्रकट करते हैं, और ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, इबादत है। और गंगा जमुनी संस्कृति की ये पहचान है, इसलिए इफ्तार जो है जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं, और ये एक इबादत के तौर पे गंगा जमुनी तहजीब के नाते शुरू से ही, जब से आदरणीय लालू जी ये लगातार हर साल हमारे दल के लोग, हम लोग जो हैं हर साल हम लोग रोजेदारों के प्रति हम लोग इफ्तार जो है देने का, और हम सब लोग जान ही रहे हैं कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो लोग भी थे उनकी कुर्की जब्ती हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। पहले भी तमिलनाडु में, जो बिहार और तमिलनाडु दो राज्यों का जहां लड़ाई लड़वाने का प्रयास लोगों का था, उस साजिश का भी भंडाफोड़ हुआ, और इसका भी होगा, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, कुर्की जब्ती भी हुई है। जो लोग भी अमन चैन छीनने का प्रयास करेंगे या बिहार के ऊपर बुरी नज़र डालेंगे, बिहार की जनता सब देख रही है, और कानून प्रशासन उसको बख्शेगा नहीं, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेगा। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत पिछले साल भी जब हम लोग किए थे तो इसी तरह का माहौल था, और आज भी जो है उसी तरह का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत, मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त लालू राबड़ी आवास पे है, जहां पर आज रोजे को लेकर तमाम मंत्रियां यहां पर उपस्थित थे। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री से लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान तक यहां पे मौजूद रहे, और सभी ने मिलकर रोजा खोला। आइए कुछ लोगों से बात कर ले कि आखिर कैसा लगा यहाँ पर आके, और लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे। जी बोलिए, आज का दिन कैसा रहा आप लोगों? बहुत अच्छा रहा। हमारे नेता जो तमाम जो नौजवान साथी है और गरीब गुरबा है उसके धड़कन में बसे हुए हैं, और तमाम लोग आए हैं, हर पंचायत से लोग यहां पहुंचे हैं और हमारे नेता को हौसला को बुलंद किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? एकदम सही है, पूरा शांति का माहौल। हम एक गंगा जमुना का एक तहजीब है, उसमें सभी आदमी को मिलजुल के रहना है, और सभी आदमी जो हमारे नेता आज अवतार पार्टी किए हैं इसके लिए बहुत हम लोग खुशी है, और ऐसा ही करते रहे हमारे नेता कार्यक्रम, और हम लोग आते रहे नेता के साथ जुड़ते रहे। और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग और हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज यहाँ पर रोजा खोलकर? आज बहुत अच्छा लगा, गंगा जमुना की जो तहजीब है वो देखने को मिला यहाँ आज राबड़ी जी के निवास पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, तेजस्वी जी थे, और आदरणीय पप्पू यादव जी भी आए थे। अभी आप लोग की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था कि पप्पू यादव जी भी आए हैं, क्या इसमें कोई राजनीतिक है? राजनीतिक देखिए हर चीज में है, राजनीतिक एक पहलू है, और राजनीतिक यहीं से शुरू होती है। खुशियों भरी त्यौहार लोगों का होता है, जो हमारे अभी देश की तहजीब है गंगा जमुना तहजीब, उसी के नाते हर लोग यहाँ आए, सभी लोग इन्वाइटेड थे। तो राजनीतिक चिराग पासवान जी आदरणीय हमारे आए, वो भी आए, तो देखिए आना जाना सबका है, ये तो एक पर्व था, एक फेस्टिवल था, उसमें सब लोग शिरकत किए, लेकिन
राजनीतिक जो है यहीं से उपज होती है और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। और आने वाला समय जो है मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैं प्रदेश आरजेडी का मैं प्रदेश महासचिव हूं, उस नाते भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाला समय जो सुखमय समय है, आने वाला समय में सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, सभी लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, सभी को जोड़ने की बात हो रही है, सब लोगों को बुलाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि उसी की एक कड़ी है ये कि सब लोग आ रहे हैं और आने वाले समय में सभी लोग जो है एकजुट होंगे और सभी महागठबंधन को और मजबूत करेंगे और सारे लोग एकजुट होंगे, ये मुझे विश्वास है। देखिए, मान गए कि चिराग पासवान जी, आपका सवाल है कि मोदी जी के हनुमान कहलाते हैं, लेकिन आने वाला समय में आदरणीय जो हमारे राम जी थे उनके भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ही जो है अपने पूछ से लंका को जलाने का काम किए थे। उस दिन को अभी आपको याद रखना होगा। अगर उनको आप हनुमान कह रहे हैं तो हो सकता है वही हनुमान लंका को जलाने का काम करेगा और गठबंधन महागठबंधन को मजबूत करने का वही काम करेंगे। लंका मतलब क्या? लंका बताए ना कि राम, मैंने कहा ना कि आदरणीय राम, पुरुषोत्तम राम है और उनके वो आपने कहा कि वो पवन पुत्र हैं बीजेपी, तो पवन पुत्र ही तो अपने पुत्र से पूरे लंका को जलाए थे। तो उसी तरह आने वाले समय में हो सकता है कि यही लोग सब महागठबंधन के साथ जाएंगे और जो सांप्रदायिक ताकत उनको हटाने का काम करेंगे, भाईचारे को कायम करेंगे, यही है। चारों भाई भाई है क्या लगता है? मैं तो यही कहूंगा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान ही बनूंगा, बस मेरा यही एक संदेश है। बहुत अच्छा हुआ, तो इसमें चिराग पासवान भी आ गए और पप्पू यादव भी आ गए। हाँ, सब मिलने के लिए महागठबंधन में तैयार है, सब तैयार है। हाँ, केसर साहब भी आ गए, चिराग पासवान मिल जाएंगे। अब उनका मन मर्जी है, अगर पिछड़ा का वहाँ का गठबंधन का सरकार बनाएंगे तो समझ में होगा तो मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है सभी मंत्री उपस्थित रहे, यानी कि लालू राबड़ी आवास पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान समेत पप्पू यादव भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर एक दूसरे को गला लगाकर उन्होंने शांति माहौल को बहुत बड़ा संदेशा दिया और लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और यहाँ पे सभी लोग मिलकर एक दूसरे को गला मिलकर रोजे का इफ्तार किया। इसके इस खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।